So today, we will be starting with that of applications of quasi-aromaticity. ठीक? देखो बेटा, जब हम बात करेंगे applications of quasi-aromaticity, अब बात यह थी कि क्यों पढ़ाया सर ने क्वासी एरोमेटिसिटी। ऐसा कंसेप्ट जब हमने देखा नहीं था तो सर ने क्यों पढ़ाया। देखो बेटे, सबसे पहला जो रीजन हमारे पास रहता है इसको पढ़ने का, यू कैन से जिसका हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं डायपोल मूवमेंट्स को कई बार हमें कन्वर्ट करना होता है। डायपोल मूवमेंट्स, इसको हम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। से मेरे पास एक मॉलिक्यूल, रादर इसके एप्लीकेशन करने से पहले ना बेटा हमें एक चीज और पढ़नी है, एंटी एरोमेटिसिटी, ताकि बीच में ही हमारे पास इसमें एप्लीकेशन भी आएगी तो फिर हम एंटी एरोमेटिसिटी पहले कर लेते, देन वी कम टूवर्ड्स दिस बेसिकली, ठीक। तो हम दोबारा से वापिस इस पे आ सकेंगे, ठीक, क्योंकि बीच में इसी में मैं एंटी एरोमेटिसिटी के भी बीच में साथ में डाल दूंगा ताकि क्लियर हो सके। तो बिफोर स्टडिंग द एप्लीकेशंस ऑफ क्वासी एरोमेटिसिटी, ठीक, और डायपोल मोमेंट, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद दैट ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, ठीक। मैंने बोला इट शुड फॉलो हक्कल्स रूल, कॉन्जुगेशन यानी कंप्लीट साइकिल का होना जरूरी है, और तीसरी बात स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर आल्सो, ठीक। अब जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बेटे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना बच्चे, ठीक, इसमें सेम ही तरीके के रूल्स हैं बट थोड़ा सा फर्क है। इसमें हम बोलेंगे सबसे पहली बात कि देयर मस्ट बी फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। जैसे बेटे हमारे पास एरोमेटिसिटी में हमने क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किए थे, मैंने कहा था अगर 4, 6, 10, 14, 18, 22 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एरोमेटिक हो सकता है, बशर्ते बाकी क्राइटेरिया भी उसके साथ चल रहे हैं। ऐसे बेटे अगर हमारे पास 4n+2 ना होकर के 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ लो, यानी कि 4 हो, यानी कि 8 हो, यानी कि 12 हो, यानी कि इस तरह 16 हो, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास हुए तो बेटा वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो सकता है, बशर्ते बात वही है कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड विथ कंप्लीट कंजुगेशन। And third rule is structure must be planar। बेटा structure का planar होना भी जरूरी है, ठीक। हमने क्या कहा कि there must be 4n+2 pi electron present, तो वो 4n+2 aromatic, लेकिन अगर सिर्फ 4n तो क्या aromatic, anti aromatic। साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, जैसे कि पहले था। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा मैं आपके पास, से दिस इज माय कंपाउंड, नाउ अब इसमें मेरे को पाई इलेक्ट्रॉन गिन के बताओ कितने हो जाएंगे। देर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक बात, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। और दूसरी बात क्या होगी कि यहां पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी साइक्लिक क्लाउड भी प्रेजेंट है। और तीसरी बात, रिंग 4 ही एटम्स का बेटा, प्लेनर ही होना है, तो ये प्लेनर हो गया।
तो कहने का मतलब यहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक, और इसी तरह से साइक्लिक क्लाउड भी है और प्लेनर भी है। तो ऐसे कंपाउंड को मेरे बच्चों हम लोग नाम दे सकते थे, ऐसे कंपाउंड को नाम दे सकते थे हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यानी अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास या तो चार, या तो आठ, या तो 12, यानी 4 का टेबल, इतने पाई इलेक्ट्रॉन हो, लाइक साइक्लिक क्लाउड हो, और उसके साथ साथ हमारे पास ऐसा भी हो कि रिंग भी प्लेनर हो, तो बेटे ऐसे में एंटी एरोमेटिसिटी आने का पूरा पूरा चांस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे में एंटी एरोमेटिसिटी आने का पूरा पूरा चांस हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूं मैं आपको क्लियर करने के लिए, ठीक। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, ये ओ है, नाउ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, टेल मी हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। Obviously, there are 8 pi electrons. ठीक है, cloud is cyclic. क्यों? double bond, single bond, lone pair, single bond, double bond. सारी जगह पे conjugation, complete conjugation. Structure planar है. तो ऐसे केस में ये भी हमारे पास anti aromatic compound कहलाएगा. लेकिन बेटे एक बात, स्ट्रक्चर का प्लेनर होना बहुत जरूरी है। जैसे बेटा देखो, एक स्ट्रक्चर सर ने पहले बताया था, बोलो क्या नाम देते हो इस स्ट्रक्चर को, आपको समझाया था मैंने, दैट इज कॉट साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। अब इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 pi electrons. हमें ये भी लगता है कि ये conjugation complete है, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. हमें लगता है कि ये भी cyclic cloud भी हो सकता है, ठीक? हमें लगता है कि cyclic भी है, ठीक? But क्या ये planar है? So this is non-planar बच्चे, ये non-planar है, क्यों? बेटा 6 कार्बन से ऊपर का रिंग है बच्चे, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था बेटा टब शेप स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था, दिस इज टब शेप स्ट्रक्चर। टब शेप यानी कि नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ, एरोमेटिक ये है नहीं, एंटी एरोमेटिक ये हुआ नहीं, तो फिर क्या हो गया भाई? अगर एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, ठीक, अगर हमारे पास एरोमेटिक है नहीं, एंटी एरोमेटिक है नहीं मेरे दोस्त, ठीक, इधर वाला भी दिखाई नहीं दे रहा, ओके इसको भी बना देते हैं, ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है तुम्हारे को, ये डबल बॉन्ड, ठीक है जी, क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास ये नॉन एरोमेटिक होता है, कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। तो मेरे बच्चों तीन तरह के कंपाउंड हो गए, इधर दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दे आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दे आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी दोनों के रूल नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हम इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक। अब अगर हम स्टेबिलिटीज की बात करते हैं, तो देखो बेटा स्टेबिलिटी की बात अगर मैं लेता हूं, तो स्टेबिलिटी में हमेशा ध्यान में ये रखना है बेटा जी कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होते हैं,
नॉन एरोमेटिक होते हैं भैया, ठीक, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होते हैं। बेटे मैं इसका लॉजिक तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं, ठीक है जी, इसका लॉजिक मैं बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट अ टाइम ऑन इट बिकॉज वो अदरवाइज तुम्हारे काम का नहीं होगा। हाँ मैं इतना जरूर बता देता हूं तुम्हें, होता क्या है एरोमेटिक के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं, किसमें आते हैं बॉन्डिंग में, और एंटी एरोमेटिक इसका नाम ही इसलिए दिया गया था कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, और आपको पता है एंटी बॉन्डिंग मेक्स थिंग लेस स्टेबल, तो बेसिकली ये लेस स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं एंटी एरोमेटिक यानी एंटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, so it gives antibonding molecular orbitals, इस वजह से बेटा ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबिलिटी का रीजन हमेशा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अभी फटाफट से बोलो एंटी एरोमेटिसिटी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके, तो बिफोर गोइंग बैक टू व्हाट आई वांट टू स्टडी टुडे, ठीक, उससे पहले हम एक और चीज पढ़ लेते कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, क्योंकि ये भी आगे क्वेश्चन की तरफ सर्व होगा तुम्हारे पास। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स,